आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के बारे में। तो अगर आप एक पेनियर बाई के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पर एड रिटेलर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा और KYC करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। तो पहले तो हमने सोचा कि ये कोई नेटवर्क की दिक्कत होगी, इस वजह से एड रिटेलर करने का ऑप्शन और KYC करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमने अपने RM से बात की तो पता चला कि ये कंपनी की तरफ से होल्ड किया गया है, जिससे कि जितने भी पेनियर बाई के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो नया रिटेलर अभी नहीं अनलोड कर सकते हैं और ना ही अपने रिटेलर की KYC कर सकते हैं। ये दोनों काम कंपनी की तरफ से होल्ड कर दिए। लगातार बहुत सारे फ्रॉड सामने आ रहे हैं जिससे कि कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पर ये दोनों राइट बंद कर दिए हैं, एड रिटेलर के और KYC करने के। इस बीच में अगर आपके पास कोई न्यू रिटेलर आईडी बनने के लिए आती हैं तो आप अपने RM से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पोर्टल पर राइट उपलब्ध है एड रिटेलर करने का। या अगर आपके पोर्टल पर जो ऑलरेडी रिटेलर एड हैं उनकी अगर KYC पेंडिंग है किसी की, तो उनकी आप अगर KYC करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने RM से कांटेक्ट कर सकते हैं, RM के माध्यम से आप उनका KYC कंप्लीट करवा सकते हैं। ये दोनों राइट RM के पोर्टल पर उपलब्ध हैं, एड रिटेलर करने के और KYC। डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पर ये दोनों राइट एड रिटेलर के और KYC करने के कुछ समय के लिए ही होल्ड किए गए हैं, बहुत जल्द ही इनको अनहोल्ड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद बहुत ही आसानी से आप रिटेलर ऐड कर पाएंगे और KYC कर पाएंगे। हालांकि इसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है कंपनी की तरफ से एड रिटेलर करने के लिए और KYC करने के लिए, कुछ इसमें सिक्योरिटी भी अपडेट की जा सकती है। तो ये अपडेट होने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या अपडेट किया गया है एड रिटेलर करने में और KYC। हमारे अनुमान से कुछ रिटेलर गलती भी कर रहे हैं, जैसे कि रिटेलर के पास दुकान हो या ना हो उनका आईडी बना देते हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो रिटेलर की करंट लोकेशन पर भी विजिट नहीं करते हैं और उनका आईडी बना देते हैं, और बहुत से लोगों को जानते और पहचानते भी नहीं हैं लेकिन उनका आईडी बना देते हैं, और वही रिटेलर आगे चल के फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी आईडी का गलत मिसयूज कर रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप सभी ऐसा मत कीजिए, ईमानदारी से काम करिए और मेहनत से काम करिए। आज के इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।